फ्रेंड्स, सारी टेलीकॉम कंपनियों ने घोषणा की थी कि दिसंबर में उसके प्लान महंगे होने वाले हैं। फ्रेंड, फाइनली दिसंबर आ गया और वोडाफोन और आइडिया ने भी घोषणा कर दी अपने नए प्लान की, जहां पर कि आपको पता चल गया कि उसने अपने प्लान की कीमत काफ़ी बढ़ा दी है, लगभग 50% तक। वहीं पर एयरटेल का भी नया प्लान आ गया, जो कि वोडाफोन की तरह ही है, वह भी 45 से 50% पहले से महंगा हो गया है। फ्रेंड, यह प्लान जो है 3 दिसंबर से लागू होने वाला है, लेकिन फ्रेंड जियो की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि उसकी तरफ से कितना प्लान महंगा किया जाएगा, लेकिन महंगा किया जाएगा यह निश्चित है। और जियो ने कहा है कि अगले 6 दिसंबर से उसके नए प्लान आ जाएंगे, तो फ्रेंड जियो का प्लान भी महंगा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, जियो ने प्लान महंगा होने से पहले आपके लिए कुछ राहत वाली काम की है। फ्रेंड, जैसे ही आप माई जियो एप्लीकेशन खोलेंगे और वहाँ पर रिचार्ज वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा 1776 का रिचार्ज, जिसमें कि 336 दिन की वैलिडिटी और टोटल 672 GB डाटा दिखाई देता है। तो इस तरह से फ्रेंड जियो की तरफ से यह नया रिचार्ज लाया है, लेकिन वास्तविक में फ्रेंड यह नया रिचार्ज नहीं है, यह पुराना ही रिचार्ज है। फ्रेंड, कुछ दिन पहले जियो की तरफ से ऑल इन वन प्लान लाए गए थे, जो थे 222 रुपये के, 333 के, 444 और 555 का। तो फ्रेंड, यहाँ पर 444 वाले प्लान को 4 बार जोड़कर देखा जाए तो यह ऑफ़र आपके लिए लाया गया है। फ्रेंड, 444 गुना 4 अगर करते हैं तो 1776 रुपये हो जाता है, और 444 वाले प्लान की वैलिडिटी थी 84 दिन की। तो फ्रेंड, इस तरह से 84 गुना 4 करेंगे तो 336 दिन हो जाता है, जिसमें कि आपको हर दिन 2 GB डाटा मिल जाता है, अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल मिल जाता है और 1000 IUC मिनट मिल जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से जियो की तरफ से आपके लिए यह प्लान लाया गया है, लेकिन फ्रेंड देखा जाए तो यह कोई फ़ायदे वाला प्लान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कूपन में 50 रुपये का कूपन पड़ा हुआ है तो आप चाहे तो उससे रिचार्ज करते हैं अपने 444 वाले प्लान को, तो वहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाता है और यह प्लान मात्र 394 रुपये का पड़ता है। लेकिन अगर एक साथ आप रिचार्ज करते हैं तो मैक्सिमम आप एक कूपन को ही रिडीम कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड यह प्लान आपके लिए महंगा हो जाएगा। फ्रेंड, हालांकि जियो ने कोशिश की है आपको फ़ायदा देने की, लेकिन यह प्लान कोई अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप रिचार्ज करवाना चाहते हैं तो आप सिंगल 444, 333 या 222 या 555 कोई भी रिचार्ज करवा सकते हैं और 50 रुपये का कूपन हर रिचार्ज में रिडीम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि 1776 का जियो का नया प्लान आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।